अजीब कहानी है। वैसे तो सदियों पुरानी है, है मंजर जादू नगरी के, है रत वाली कहानी है। रास्ता उस डगर पर जाता है जहां से आज तक योद्धा महायोद्धा और राजा महाराजा तक जीवित नहीं लौटे। कौन था वो राजकुमार? वो राजकुमार स्वयं को अलकापुरी का युवराज बता रहा था। यदि भानु प्रताप को वनराज की वास्तविकता का पता चल गया महारानी, तो अनर्थ हो जाएगा। और जब मैं चंद्रमुखी का फूल लिखे रहूंगा तो हम पिताश्री को दोबारा देख पाएंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा, तो हम सब का पुनर्मिलन भी हो जाएगा। मैंने भानु प्रताप को इसी रास्ते से जाते हुए देखा। भानु भैया? हाँ, शायद चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने के लिए वो इसी रास्ते से जाए। इसमें रूपनगर के राज्य की सीमा में प्रवेश करने की जो रेखाएं बनी हैं, उन्हीं दिशाओं पर तो हम हैं। हमें तो केवल इतना बताओ कि क्या ये मार्ग रूपनगर की ओर जाता है? नहीं अन्नदाता, अब गलत रास्ते की ओर भ्रमण कर रहे हैं। किसी दूर देश से फिर कोई युवराज हमारे राज्य की सीमा के पास आ गया है और हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। तो राजकुमारी चंद्रमुखी अभी तक इस अंदेशे में है कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार आके उन्हें वरमाला पहनाएगा। परंतु हम आज तक ये बात समझ नहीं पाए कि हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले आखिर सब राजकुमार कहाँ खो जाते हैं। लेकिन हमें राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ साथ रूपनगर पर भी अपना अधिकार चाहिए। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं युवराज। कहो, पर यदि आप शकुन की कोई बात कही तो हम अपने क्रोध को रोक नहीं पाएंगे। क्या हुआ? तुम कुछ कहने वाले थे, चुप क्यों हो गए? हमारा एक एक पल बहुमूल्य है, जल्दी बको। मैं कह रहा था युवराज कि आप बहुत थक गए हैं, यदि कुछ देर सुस्ता लेते तो आपकी थकान भी मिट जाती और रात्रि में जंगली जानवरों का संकट भी टल जाता। संकट? तुम बार बार हमें जंगली जानवरों का डर दिखाकर निर्बल क्यों बनाना चाहते हो? अरे कुंवर भानु प्रताप किसी जंगली जानवर से नहीं डरता, और तो और हम यमराज से भी नहीं डरते। यदि हम एक ललकार मारे तो ये सारा जंगल खाली हो जाएगा। क्षमा क्षमा करें युवराज, भूल हो गई। हम देख रहे हैं कि तुम बहुत भूले कर रहे हो जोरावर। तुम हमारे उपसेनापति हो, तुम्हारे मुख से ये कायरता भरे शब्द अच्छे नहीं लगते। यदि तुमने एक और भूल की ना तो चंद्रमुखी के राज्य की बजाय हम तुम्हें नर्क के राज्य में भेज देंगे। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। अब तुमने टोक दिया है तो हम किसी अपशगुन को न्योता नहीं देंगे, हम यहीं विश्राम करेंगे। जो आज्ञा युवराज, हम यहीं विश्राम करेंगे। हेरों कायरों की तरह जब देखो विश्राम करना चाहते, हम यहाँ विश्राम करेंगे। और तुम आगे जाके पता लगाओगे कि यही मार्ग चंद्रमुखी के राज्य की ओर जाता है या हम फिर किसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं। जो आज्ञा युवराज, हम पता लगाते हैं। और सुनो, हमारे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कल सुबह सूर्य उदय होते ही हम चंद्रमुखी के राज्य की ओर कूच करेंगे। जो जो आज्ञा युवराज। जा, आप कहा था सब आते। Thank you.
वैसे भी जंगल में विश्राम करने से क्या लाभ होगा? अच्छा, परंतु कुछ पल पहले तो तुम हमें विश्राम करने को कह रहे थे और इतनी जल्दी पलट गए। हमें यकीन है कि पिछले जन्म में जरूर तुम किरकट की योनि में रहे होगे। जी युवराज, किंतु इस जन्म में आपका सेवक हूं। हमें लगता है कि हम चंद्रमुखी के राज्य की ओर सही प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? यदि आप कह रहे हैं तो सही रास्ता हो। रास्ता एक बार भले गलत हो सकता है, किंतु आप गलत नहीं हो सकते अन्नदाता। शाबाश जोरावर, आज जिंदगी में पहली बार तुमने बुद्धिमानी की बात की है। तुम हमारे सबसे अधिक विश्वास पात्र हो और धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हो। धन्यवाद युवराज, आपके मुख से प्रशंसा भरी वाणी सुनकर मेरा हृदय गद गद हो गया। आपके मुख से प्रशंसा सुनकर मेरा उत्साह और बढ़ गया। यदि अब इस जंगल की भूल भुलैया में मृत्यु के साक्षात दर्शन भी हो जाए ना, तब भी हमें राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, तुम्हारे साहसपूर्ण उत्तर से हमें प्रसन्नता हुई है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आज के बाद तुम राजकुमारी चंद्रमुखी को राजकुमारी नहीं कहोगे। जो आज्ञा युवराज, किंतु इतना बता दे, क्या कहकर संबोधित करूंगा? महारानी चंद्रमुखी। महारानी चंद्रमुखी, किंतु वो तो अभी तक कुंवारी हैं। महारानी चंद्रमुखी, मैं कुछ समझा नहीं। रूपनगर राज पहुंचते ही हम चंद्रमुखी को अपनी पत्नी बना लेंगे और उसके बाद जब हम अलकापुरी पहुंचेंगे तो हमारे पिता श्री प्रताप सिंह स्वयं हमें महाराज बना देंगे। समझ गया युवराज, सर्वदा सब कुछ समझ गया, किंतु मेरे हृदय में एक प्रश्न उबर रहा है, यदि आप इसे अन्यथा ना ले तो। कहो। महाराज अपने जीते जी आपको राजा कैसे घोषित कर देंगे? वाह जोरावर, तुमने दोबारा एक बुद्धिमानी का प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत खौफनाक और डरावना है। सुनोगे? युवराज, मुझ में कहां इतनी शक्ति है कि मैं आपकी बात को अनसुनी कर सकूं? मैं ही क्या, इस संसार में कोई भी इतना बलशाली नहीं है जो आपके आदेश की अवहेलना कर सके। सुनावर, अब तुम्हें हमारे उप सेनापति के पद से कोई नहीं हटा सकता। धन्यवाद युवराज। तो सुनो, जब हम चंद्रमुखी को लेकर अलकापुरी जाएंगे तो वहां की प्रजा हमारा भव्य स्वागत करेगी और स्वयं उस दृष्टिहीन राजा को राजगद्दी से हटाकर हमें राजा घोषित करेगी। अति उत्तम युवराज, किंतु यदि प्रजा नहीं मानी तो? तो हम स्वयं
उस दृष्टिहीन राजा को राजगद्दी से हटाकर युवराज के पास भेज देंगे। वाह युवराज वाह, आपकी बुद्धि उतनी ही तीव्र है जितना कि आपका सुंदर मुखड़ा। सुंदरता और बुद्धिमत्ता का इतना अजोड़ संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। जोरावर, तुम्हारे ये प्रशंसा भरे शब्द सुनकर हम प्रसन्न हुए हैं। हमारी सारी थकावट दूर हो गई है। अलकापुरी जाते ही हम तुम्हें 100 बीघे जमीन भेंट में देंगे। धन्यवाद युवराज धन्यवाद। भगवान आपको अलकापुरी का ही राजा नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का अजर अमर राजा बना दे, सेवक की यही प्रार्थना है। ऐसा ही होगा जब हम चंद्रमुखी को अपनी पत्नी बनाएंगे तो अलकापुरी और रूपनगर दोनों के महाराज बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम केवल चंद्रमुखी के राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे और पलट कर नहीं देखेंगे। चलो। जाने के बाद मुझे लगा कि कहीं तुम संकट में न फंस जाओ, इसीलिए चंद्रमुखी के राज्य रूपनगर जाने के लिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जंगल बहुत भयानक है। क्या तुम बाबा से पूछ के यहाँ पे आई हो? नहीं नहीं, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा बाबा तुम्हें घर पे ना पाकर क्या सोचेंगे, क्या बीतेगी उन पर? मैं जानती हूँ बाबा मेरे बगैर बहुत ही दुखी होंगे, पर मैं क्या करती? अगर बाबा से पूछती तो इन जंगलों में आने की कभी अनुमति नहीं देते। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, ये जंगल सुरक्षित नहीं है, ये बहुत भयानक और मायावी है, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। तुम घर चली जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम जंगल में बहुत अंदर नहीं हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम यहीं से लौट जाओ। और अगर मैं नहीं लौटी तो? तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने कठोर हो। अगर तुम्हारे जाने के बाद कोई मुझे यहाँ अकेला देखकर हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? होगा, बहुत दुख होगा। और सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। आगे जाके ये जंगल और भी भयानक और मायावी हो जाएगा, और पता नहीं मैं तुम्हारी सुरक्षा कर पाऊंगा या नहीं। तुम मुझे मेरे लक्ष्य से अलग मत करो। युवराज, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर तुम जिस दिशा से जा रहे हो वो गलत है। क्या? रूपनगर राज आगे से बाएं है, तुम जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। इस पर युवराज मेरे जाल में फंसने से फिर से बच गया, मगर निशाचरी से बचना असंभव है क्योंकि इस जंगल में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। Thank you.
देवराज। कौन है आप? ब्रह्मांड सुंदरी। मैं चंद्रमुखी। वर्षों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आओ मेरा हाथ थामो और राजमहल चलो। तुम्हारी जगह इन वनों में नहीं, मेरे मन मंदिर में है स्वामी। चंद्रमुखी, हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी। वो देखो आदमी मरा हुआ पड़ा है। हाँ सरकार, बहुत मोटा सा है, लगता है दुष्ट खाते खाते शैतान को प्यारा हो गया। धुआं धुआं, हम ये जांच करने के बाद ही उत्तर दे सकते हैं। हमारे विचार के अनुसार ये वही युवराज है जिसकी हमें सूचना मिली थी, परंतु ये पता लगाना है कि जीवित है या मृत्यु पा चुका है। इसका पता तो हम लगा लेंगे। सरकार आप यहाँ खड़े रहिए, हम अभी जांच करके आते हैं। ना, मेरी बात सुनो। अगर ये जीवित है तो उसे समाप्त कर देना, और अगर मृत्यु पा चुका है तो मुझे बुला लेना। जाओ। धुआं धुआं। नंगू, चलो धड़कन की जांच करते हैं। इसके दाएं ओर की धड़कन तो बंद है, अब तू देख। चंगू, इसके दाएं ओर की धड़कन तो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा जीवित और आधा मरा हुआ है। सरकार सरकार, वो युवराज गहरी नींद में मग्न है, लगता है कोई महाबली है। धुआं धुआं, खेलू मौत का जुआ। खबरदार, मेरे सामने किसी और को महाबली कहने का साहस किया तो तुम दोनों को चंद्रमुखी के महल के आंगन में जीवित करवा दूंगा। महाबली सिर्फ हम है, सिर्फ हम। धुआ धुआ, कौन है हम? महाबली। अरे भाग्य के शत्रुओं, सर उठा के बात मत करो, सर झुकाओ और उसे नींद से जगाओ और उसे पूछो कि किस उद्देश्य से यहाँ आया है। जाओ। सरकार, नाक दबाऊं या कूद जाओ इसके ऊपर? कूद जाओ, कूद जाओ, कूदो। चंद्रमुखी, खड़े खड़े, के पीछे क्या छुपा है कायल? यदि हिम्मत है तो युवराज भारू प्रताप सिंह का सामना कर। बचाओ 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 बचाओ। धुआ धुआ, खेलू मौत का जुआ। वापस लौट जाओ युवराज, हमें डरपोक समझने की भूल मत करना। हम नहीं चाहते कि दूर देश से आए अतिथि का रक्त बहाए। कौन किसका रक्त बहाएगा ये तो रणभूमि में ही पता चलेगा। सामना कर। धुआ धुआ, चलो मौत का जुआ। देखो युवराज, हमें जोश मत दिलाओ, तुम्हारी ललकार सुनकर हमारी भुजाएं तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने के लिए तड़प रही है। वापस लौट जा, वापस, नहीं तो फिर कभी वापस जीवित नहीं लौट पाऊंगा। जाओ। युवराज भानु प्रताप सिंह, रणभूमि में दुश्मन की ललकार सुनने के बाद उसे समाप्त कर कर ही लौटता है। अब हम तुम्हारी कटी हुई गर्दन साथ लेकर ही जाएंगे। यदि ये बात है तो कोई बात नहीं, हम ही लौट जाते। हम नहीं चाहते कि अतिथि को मृत्युदंड देकर हम नर्क में जाएं। ठीक है ठीक है चंगू बाबू, ठीक है ठीक है, हम लोग चलते हैं। कायर, मेरा घोड़ा,
चोर! महारानी जी, महारानी जी, प्रणाम महारानी जी। खुश रहो। अरे चंदा, तू सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रही है? मैं तो सदैव की तरह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जा रही थी, लेकिन लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं वो मंदिर जा, वो भी इस दिशा में? हाँ, क्यों, तुझे आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य की तो बात है महारानी जी, हमारे गांव में कुलदेवी का मंदिर पूरब की दिशा में है और आप पश्चिम की दिशा में जा रही हैं। अरे हाँ चंदा, वो कुलदेवी को याद करते करते पता नहीं मैं इस तरफ कैसे आ गई। अब तू जल्दी जा, नहीं तो जंगल से लकड़ियां कोई और चुन ले जाएगा। ठीक है। हाँ, जाते जाते अगर एक बात बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। क्या? काफी दिनों से वनराज दिखाई नहीं दिए, वो ठीक तो है ना? वनराज बिल्कुल ठीक है। अच्छा चंदा, अब मैं चलती हूँ वरना आरती का समय निकल जाएगा। हाँ अच्छा महारानी जी। हम वनराज की कुशलता पूछने देवधर बाबा के पास जा रहे हैं। हमें चंदा से भी झूठ बोलना पड़ा, हे कुलदेवी हमें माफ कर देना। हे ईश्वर, सारे संसार की रक्षा करने वाला तू ही है, पूरे जगत का भला कर, सारे संसार को सुखी रख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महारानी जी प्रणाम। प्रणाम बाबा। आप अति चिंतित दिखाई दे रही हैं। सब कुशल मंगल तो है? जिस माँ से उसका पुत्र बिछड़ जाए वो माँ कुशलता से कैसे रह सकती है? ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी, आपका पुत्र आपसे बिछड़ा कहाँ है? वो तो एक लंबी यात्रा पर गया है। पता नहीं यात्रा कब समाप्त होगी देवधर बाबा। जिस पुत्र को इतने वर्षों तक अपने कलेजे से लगाए रखा, उसके बिना एक एक पल भी सदियों से अधिक लग रहा है। महारानी जी, पुत्र का बिछड़ना तो आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य विधाता का यह लेख है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। पता है बाबा, मगर एक माँ का मन नहीं मानता। न जाने उन भयानक जंगलों में मेरे वनराज की क्या स्थिति होगी। पिछले कुछ दिनों से मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, कहीं कोई शत्रु या कोई भयानक जंगली जानवर मेरे वनराज पर आक्रमण न कर दे। यही सोच सोचकर बाबा हमारे नेत्रों से नींद उड़ चुकी है। शंका करने से कुछ नहीं होगा महारानी जी, व्यर्थ की शंका करने से आप अपने आप को निर्बल बना रही हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि वनराज असीम शक्तियों का धनी है, उसे कोई भी जंगली पशु या शत्रु परास्त नहीं कर सकता। हाँ, भले ही वो घर से बाहर घनघोर वनों में क्यों ना गया हो, परंतु आपकी ममता और भगवान का आशीर्वाद सदैव उसके साथ है, आप निश्चिंत रहें। बाबा, आपके शब्द मन को तसल्ली तो दे रहे हैं पर शंका नहीं मिटा पा रहे हैं। बाबा, हमें भय है कि भानु प्रताप वनराज को मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा, और इसी शंका के निवारण के लिए हम आपसे मिलना चाहते थे।
भले ही आपका सौतेला पुत्र भानु प्रताप अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न त्याग दे, परंतु वो वनराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महारानी जी, ये मैं ही नहीं, इसका प्रमाण स्वयं पंडित रुद्रनाथ दे चुके हैं। प्रमाण पंडित रुद्रनाथ दे चुके हैं, हम समझे नहीं। महारानी जी, मैं आपको समझाता हूँ। अलकापुरी के राजमहल में आपके और वनराज के प्रति जो भी षड्यंत्र होते हैं, मेरे गुप्तचर उसकी सूचनाएं मुझे लाकर देते हैं, और उन्हीं गुप्तचरों ने मुझसे ये कहा है कि पंडित रुद्रनाथ ने युवराज भानु प्रताप से यह कहा है कि वो वनराज को समाप्त करना तो दूर, उसे वो स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसका अंत तुम्हारे हाथों, 100 जन्म लेकर भी तुम उसका अंत नहीं कर सकते। उसमें जो शक्तियाँ हैं, उनसे जो भी टकराता है वो उसका विनाश कर देती है। वो हर शक्ति से परिपूर्ण है। ये बात पंडित रुद्रनाथ ने स्वयं कही है? जी महारानी जी, जब पंडित रुद्रनाथ जैसा महाशक्तिशाली इस बात को स्वीकार कर सकता है, तो आपको व्यर्थ में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपके और वनराज के जीवित होने की सच्चाई बताकर पंडित रुद्रनाथ ने युवराज भानु प्रताप के नेत्र खोल दिए, और जब भानु प्रताप ने फिर से वनराज को समाप्त करने का निर्णय लिया, तो पंडित रुद्रनाथ ने उसे स्पष्ट तौर से कहा कि वो दानव शक्तियों से भरे वनराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महारानी जी, पंडित रुद्रनाथ ने भानु प्रताप को बताया कि अलकापुरी राज्य से 100 कोस की दूरी पर एक गांव है माधवगढ़, वहां जाने से उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और तुम्हारे भाई के जीवित होने का प्रमाण भी। जाओ, जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। यहाँ से दक्षिण दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक गांव है माधवगढ़, वहाँ एक काली घाटी है। उस काली घाटी में तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पत्थर में तराशी मूर्ति तुम्हें पूरे 21 वर्षों की गाथा सुनाएगी। जब भानु प्रताप काली घाटी स्थित माधवगढ़ पहुंचा, तो उसने देखा। और शंका में आने की आवश्यकता नहीं। ये जो तुमने पढ़ा और देखा, यही परम सत्य है। और ये आज की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, ना ही आज का लिखा हुआ। 200 वर्ष पूर्व असुरी सम्राट ने मानव और मानवता के विरुद्ध अपने हस्ताक्षर अंकित किए हैं। ये तुम्हारा भाई मानव के रूप में एक दानव है। अगर ये सत्य है, यही सत्य है, तो इस सत्य का अंत होना चाहिए आचार्य महाराज। अवश्य हो जाना चाहिए, परंतु अब इसे समाप्त करना इतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। भानु प्रताप के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम भूल रहे हो भानु प्रताप, इसे मारने की चेष्टा तुमने 21 वर्ष पूर्व भी की थी, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। जिस पौधे को तुमने सोचा कि तुमने रौंद दिया है, कुचल दिया है,
आज भी जीवित है और अब वो पौधा बड़ा होकर एक महान वृक्ष बन चुका है जिसे तुम उखाड़ नहीं सकते। उखाड़ नहीं सकता और जड़ से काट तो सकता हूँ। और यही सच्चाई है महारानी जी, सदियों पहले वनराज का भाग्य लिख दिया गया था। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया कि वनराज को भानु प्रताप से कोई संकट नहीं है। वनराज को भानु प्रताप से कोई संकट नहीं, ये सुनकर मन बड़ा हल्का हो गया। अच्छा बाबा, अब आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा, परंतु महारानी जी जाने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराएंगी नहीं। प्रार्थना नहीं बाबा, आप आदेश दीजिए जिसे हम कभी नहीं ठुकराएंगे। महारानी जी, वनराज के जाने के पश्चात आप एकदम अकेली हो गई हैं, इसलिए कस्तूरी प्रत्येक दिन आपके सेवा में भोजन लेकर उपस्थित होगी। उसकी एक छोटी सी सेवा को आप स्वीकार कर लीजिए। पर बाबा, देखिए आपको अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने हमें वचन दिया है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा बाबा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। सौभाग्यवती भाव। अरे महारानी वन में अकेली। कुंदन, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महारानी जी, महारानी जी को कुंदन का शत शत प्रणाम। अरे कुंदन, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े। कई दिनों से तो आप ही नहीं दिखाई दे रही थी महारानी। हम तो आपके आश्रय पर इसी गांव में पड़े हैं, परंतु आजकल न तो आप दिखाई दे रही हैं, न तो युवराज। कोई सेवक के लिए काम है तो हुक्म कीजिए। धन्यवाद कुंदन, पर हमारी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे महारानी, कैसे न करूं चिंता, आप मेरी महारानी हैं। अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा तो मैं किसकी चिंता करूंगा। जबान संभाल के बात करो कुंदन, हम केवल तुम्हारी नहीं पूरे गांव की महारानी हैं। अरे मेरा भी यही कहने का तात्पर्य था महारानी जी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इस गांव के लोगों के साथ साथ इस संसार के लोग भी आपको महारानी कह के पुकारे। आपके सम्मान में मेरा भी सम्मान है, लेकिन महारानी जी अब मुझे इतना तो बताइए कि सवेरे सवेरे आप कहाँ से आ रही हैं? तुम पूछने वाले कौन होते हो? अरे महारानी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो आपकी सेवा के उद्देश्य से ही आपसे पूछ रहा था। हम स्वयं अपनी सेवा करने के लिए सक्षम हैं। तुम्हें हमारी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर हो भी तो उसके लिए हमारा पुत्र वनराज ही बहुत है। वो तो ठीक है महारानी, परंतु युवराज, युवराज है कहाँ? हमने कई दिनों से उनके दर्शन नहीं किए। तुम्हें युवराज की इतनी चिंता क्यों है? मैं नहीं, सारा गांव युवराज के चिंता में मगन है महारानी जी, और सारे गांव में एक ही चर्चा चल रही है, और वो चर्चा ये है कि अचानक युवराज चले कहां गए। युवराज नगर गए हैं, जाओ कह दो सारे गांव वालों से। वो तो मैं कह ही दूंगा महारानी जी, लेकिन वनराज नगर क्यों गए हैं ये भी अगर आप मुझे बता देती तो मेरे साथ साथ गांव वालों को भी चैन की नींद आ जाती। ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझती, परंतु युवराज की अनुपस्थिति में कोई भी कष्ट आपकी कुटिया का द्वार खटखटाए तो आप इस कुंदन को याद कर लेना, और भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी एक आवाज पर आपका ये सेवक आधी रात को एक पैर पर दौड़ा हुआ चलाएगा। धन्यवाद, अगर हम पर कोई विपत्ति आ भी गई तो तुम्हारी सहायता की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
राजपाट चले गए पर अकड़ अभी भी बाकी है महारानी में। देखता हूँ कुंदन से स्वयं को कब तक बचाए रखती है महारानी जी। जय रघुनंदन। कुंदन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज हमसे बदतमीजी करने लगा। महारानी जी, इस कुंदन का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जवान बेटी के होते हुए इस तरह की हरकत। कुंदन, ये कैसा दुस्साहस है? महारानी का रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी, यदि आप महलों में रहती तो ये कुंदन आपका रास्ता कभी नहीं रोकता। पर क्या करूं, इस जंगल में आपको अकेले भटकता हुआ भी तो मैं नहीं देख सकता, इसलिए सहारा देने चलाया। हमें तुम्हारे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। सहारा देने के लिए हमारा पुत्र है, भाई है हमारा, किंतु पति नहीं। और मैं ये कमी पूरी करने में सक्षम हूँ मारा। अब बस एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए मारा। अभी तो आप युवा हो महारानी, और अपने इस यौवन को यूं ही समाप्त मत होने दो। थाम लो मेरा हाथ। भगवान की सौगंध, अगर एक बार हाथ थाम लिया तो जीवन भर छोड़ूंगा नहीं महारानी जी, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगा। थाम लो मेरा हाथ। अगर आप शर्मा रही हो तो मैं आपका हाथ थाम लेता हूँ। पता बेटी, मैंने तो महारानी की कुशलता पूछी और इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। ये कहना चाहते हो ना अपनी पुत्री से? इसे ये भी बता दो कि हमने तुम पर हाथ क्यों उठाया? क्यों हाथ उठाया? मुझे क्या मालूम महारानी, मैं तो खुद ये सोच के हैरान हूँ कि ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि इस बुढ़ापे में मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया महारानी। हम गांव वाले आपको महारानी समझ के इतना सम्मान देते हैं और आप हमें ही अपमानित करती हैं? हमने किसी को अपमानित नहीं किया चंदा। तुम्हारे पिता ने हमारे साथ ओछी हरकत की थी, इसीलिए हम अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया था। राम 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 राम, ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ निर्धन पर महारानी जी। ईश्वर साक्षी है, मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य युवती को देखा तक नहीं है। हे भगवान, ये सुनने से पहले इस पापी संसार से मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब्बा जी के क्या करूँगा? अब रोइए मत बापू, मैं जानती हूँ कि महारानी असत्य बोल रही हैं। नहीं चंदा, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो आज आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? आज आप मंदिर नहीं गई थी, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मंदिर जा रही हैं। बोलिए, अब आप चुप क्यों हो गई? आपने मुझसे झूठ बोला था ना? हाँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे। तो आपने जो मेरे पिताजी पर लांछन लगाया है उसे मैं कैसे सत्य मान लूं? आपका सिर झुका के चुप रहना ही आपके झूठ की स्वीकृति है महारानी। हम गांव वाले आपको सम्मान देते हैं
यदि आपका व्यवहार ऐसा ही रहा तो इस गांव की प्रजा से आपको सम्मान तो क्या धिक्कार भी नहीं मिलेगा। चलिए बापू। वो तो है बाबा की पत्नी।